है वो है ब्लड के बारे में सबसे पहले उसके हम देख लेते हैं कि कंपोजिशन है ब्लड की तो ब्लड इज रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग गैसेस जैसे ऑक्सीजन हो गया कार्बन डाइऑक्साइड हो गया इसको ट्रांसपोर्ट करता है इसके अलावा जो है ट्रांसपोर्ट वेस्ट प्रोडक्ट पूरी बॉडी के अंदर जो है वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह जो है जहाँ पे बन रही होती है उसको जो मेन एरिया जो है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना होता है तो वहाँ पे लेके जाता है ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स कि हम जो भी फूड वगैरह खाते हैं वो जो है हमारे ब्लड के अंदर शामिल होती है और वो पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करते हैं तो वो जो न्यूट्रिएंट्स जो हम खाते हैं वो ट्रांस ब्लड के जरिए जो है पूरी बॉडी में उसके बाद जो है हेल्प रिमूव फ्रॉम द बॉडी और जो भी हमारे टॉक्सिंस पैदा हो जाते हैं और जो भी जहरीली चीजें पैदा हो जाती हैं बॉडी के अंदर तो वो ब्लड से जो है रेगुलेट होके हमारी बॉडी से जो है वो रिमूव हो जाती है ब्लड जो है सिक्स टू एट परसेंट ऑफ ओवर टोटल बॉडी वेट हमारा जो बॉडी वेट है उसमें सिक्स टू एट जो है वो ब्लड कंटेन है नॉर्मल एडल्ट ब्लड वॉल्यूम इज फाइव लीटर कि एक एडल्ट बॉडी ब्लड का जो वो वॉल्यूम है बॉडी के अंदर वो फाइव लीटर है ब्लड इज मेड अप ऑफ सेलुलर मटेरियल इन अ फ्लूड कॉल प्लाज्मा ब्लड बना होता किस चीज का है तो ये एक फ्लूड uh, मटेरियल है वाटरी मटेरियल है कि पानी की तरह मटेरियल है, है जिसके अंदर जिसको हम कहते हैं कि ये प्लाज्मा है उसके बाद ब्लड इज सर्कुलेटिंग टिश्यू

इनको मिला के जो है इसको प्लाज्मा कहते हैं कि प्लाज्मा है लिक्विड मटेरियल है और उनके अंदर ये तीनों चीजें जो हैं वो पाई जाती हैं जैसे कह लो कि ये पार्टिकल्स हैं कोई भी वाटर के अंदर कह लो कि कोई पार्टिकल्स हैं उस वाटर को प्लाज्मा का नाम दे देते हैं और जो अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको कह देते हैं कि, कि कोई रेड ब्लड सेल्स हैं कोई व्हाइट ब्लड सेल्स हैं और कोई प्लेटलेट्स है उसके बाद है कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड हिम हिमा माटोपियोसिस जो है द फॉर्मेशन एंड डिवेलपमेंट ऑफ ब्लड सेल्स के जो इस प्रोसेस को जो है वो हिमाटोप कहते हैं कि जब ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं एक एडल्ट के अंदर जो है वो ब्लड uh, सेल्स जो है वो बन रहे होते हैं कि बोन मैरो के अंदर जो बोन मैरो जो है बोन का, का जो है कहते हैं कि मैरो कहते हैं जो गुद्दा जो होता है बोन का या मगज जो कहते हैं हड्डियों का जो है उसके अंदर जो है ये सेल्स जो है बन रहे होते हैं ब्लड सेल्स

उसके बाद जो है बताया हुआ है कि ब्लड बने किस चीज के होते हैं तो ब्लड जो है फिफ्टी परसेंट uh, फिफ्टी uh, प्लाज्मा जो है वो फिफ्टी फाइव परसेंट ऑफ द ब्लड बनाता है बाकी चीजें जो हैं जैसे प्लाज्मा इज मेड ऑफ़ एंड टेन परसेंट प्रोटीन लिपिड कार्बोहाइड्रेट अमाइनो एसिड एंटीबॉडीज हॉर्मोन्स इलेक्ट्रोलाइट वे साल्ट आइंस ये सारी चीजें जो हैं ये नाइन्टी परसेंट जो है वो बना रही होती हैं कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा जो है वो फिफ्टी फाइव परसेंट है और नाइन्टी परसेंट जो है वाटर है टेन परसेंट प्रोटीन लिपिड कार्बोहाइड्रेट ये सारी चीजें उसके बाद ब्लड सेल्स मेक अप द रिमेनिंग 45% ऑफ द ब्लड और ये जो बाकी रह गए हैं व्हाइट ब्लड सेल्स प्लेटलेट्स और रेड ब्लड सेल्स ये हमारा five, 45% जो है ये बना रहे होते हैं कि 55% सिर्फ लिक्विड मटेरियल है और 45% जो है वो बाकी ये जो सेल लिक्विड के अंदर हैं वो रेड ब्लड सेल्स मेक अप 99% ऑफ द ब्लड सेल्स ये जो रेड ब्लड सेल्स जो हैं यह स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स जो हैं ये बहुत ही कम मकदार में होते हैं और बाकी जो है ये सारा लिक्विड मटेरियल है उसको कहते हैं कि प्लाज्मा और हमारा जो है ब्लड रेड कलर का इसीलिए ही है क्योंकि सारे सेल्स जो है ज्यादा जो है वो रेड ब्लड सेल्स नहीं है उसके बाद जो है ये आगे टाइप्स दिखाई हुई हैं रेड ब्लड सेल्स की रिथ्रोसाइट है वाइट ब्लड सेल्स ये वाइट कलर के दिखाए हुए हैं उसके बाद प्लेटलेट्स भी वाइट कलर के ही दिखाए हुए हैं तो ये आपके सामने सारा स्ट्रक्चर भी है कि वो सारा इसी तरह ही लगता है कि ये सारे जो है रेड ब्लड सेल्स है तो ब्लड जो है सारा रेड ही नजर आता है लेकिन जब वो किसी प्रोसेस के अंदर से गुजारते हैं स्टेनिंग करते हैं तो उसमें से हमें फिर जो है सेल अलग अलग नजर आना शुरू हो जाते हैं तो रेड ब्लड सेल जो है वो सारे नीचे चले गए हैं उसके बाद ब्लड सेल की एक ले, लेयर आ गई और उसके बाद जो, हैं, वो जो है वो प्लाज्मा ऊपर सारा लिक्विड जो मेटीरियल है वो ऊपर शोर है उसके बाद ये दिखाया हुआ है रेड ब्लड सेल्स उनके बारे में सबसे पहले बताया हुआ है कि किस चीज के बने हुए होते हैं और कितने मकदार में हैं जोकि जो बहुत ही कम होता है तो उसके अंदर फोर मिलियन से सिक्स मिलियन जो है ये ब्लड सेल्स पाए जाते हैं और ये बनते कहाँ पे हैं तो ये बोन मैरो के अंदर बनते हैं मेचोर फॉर्म डो नॉट है ये जो है मेच्योर फॉर्म जब हो जाती है तो इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता वो खत्म हो जाता है शेप डेजा बर बाइकन केव डिस्क या आगे शेप भी दिखाई हुई है कि इनकी जो शेप होती है वो डिस्क की तरह होती है सिक्स टू एट माइक्रोमीटर इन डायामीटर इनका जो डायामीटर है वो सिक्स टू एट माइक्रोमीटर है लाइफ स्पेन जो है इनकी वन ट्वेंटी डेज की है एक सौ बीस दिन के बाद जो है ये सेल खत्म हो जाते हैं और नए इनकी फिर डिवीजन होती रहती है तो जो पुराने सेल्स हैं वो खत्म होते रहते हैं और न्यू सेल्स जो हैं वो बनते रहते हैं हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन आर रेड ब्लड सेल्स हीमोग्लोबिन जो है आयरन प्रोटीन ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर नजर आती है हीमोग्लोबिन कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड करती है। लंग्स के पास होती है। तो लंग्स लेक् को पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करवाती है ऑक्सीजन को और जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भेजनी होती है तो वो फिर पूरी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके लंग्स के पास वापिस भेज देती है और वो फिर लंग्स से जो है हम बाहर सांस जब ले रहे होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेज देते हैं उसके बाद है व्हाइट ब्लड सेल्स जिनको ल्यूकोसाइड्स कहते हैं लार्जेस्ट साइज ब्लड ब्लड सेल्स हैं इनका जो साइज होता है उन लार्जेस्ट साइज होता है होते बहुत कम है लेकिन इनके सेल का जो साइज है वो बड़ा होता है लोएस्ट नंबर इन ब्लड के इनका जो है नंबर्स जो हैं ये बहुत कम होते हैं ब्लड के अंदर बहुत कम पाए जाते हैं ये फोर्टी फाइव हंड्रेड टू इलेवन थाउजेंड पर माइक्रो मिली माइक्रोलीटर फॉर्म इन बोन मैरो के ये सिर्फ फोर्टी फाइव हंड्रेड से ग्यारह हजार पर माइक्रोलीटर अगर हम ब्लड लें एक माइक्रोलीटर तो उसमें इतने ब्लड सेल्स जो हैं व्हाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं ये ये भी बोन मैरो के अंदर होते हैं और कुछ जो लिम्फ ग्लैंड होते हैं लिम्फ टिश्यूज जो होते हैं उनके अंदर होते हैं प्राइमरी सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको जो कंट्रोल कर रहा होता है उसको जो प्रोटेक्ट करता है वो जो है वो वाइट ब्लड सेल्स की वजह से ही हो रहा होता है फाइट डिजीज एंड फॉरेन के बाहर से कोई भी डिजीज आ रही है या कोई भी वायरस बैक्टीरिया वगैरह इंटर हो रहे हैं तो उनके अगेंस्ट जो है ये डिजीज उनके अगेंस्ट जो है ये फाइट करते हैं उसके अलावा ये कंटेन होते हैं न्यूक्लियाई विद डी इनके अंदर न्यूक्लियस होता है और डीएनए होता है द शेप डिपेंड ऑन टाइप ऑफ सेल्स और इनकी शेप जो है वो डिपेंड करती है कि सेल किस तरह का है कहाँ पे हमारे किस ऑर्गन के अंदर कौन सा सेल है और उस पर डिपेंड करता है कि इनकी शेप किस तरह से होगी सर्टेन वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज लाइफ स्पेन फ्रॉम ये एंटीबॉडी पैदा करते हैं जो डिजीज वगैरह काज होती हैं तो उनके अगेंस्ट जो है वो फाइट करने के लिए ये व्हाइट ब्लड सेल्स या एंटीबॉडीज पैदा कर रहे होते हैं लाइफ स्पेन जो है इनकी ट्वेंटी फोर अवर्स होती है ट्वेंटी फोर आवर्स टू सेवरल ईयरस हो सकती है साइज इनका एट टू ट्वेंटी माइक्रोमीटर इन डायमीटर है देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स आगे जो है इनकी टाइप्स दिखाई हुई हैं और उनकी स्ट्रक्चर भी बताई हुई है वो होते हैं न्यूट्रोफिल्स साइनोफिल्स बेसोफिल्स लिफोसाइड्स और monocyte. ये सारी जो टाइप्स हैं ये वाइट ब्लड सेल्स की हैं और उनके आगे स्ट्रक्चर भी दिखाई हुई है